आज हम फरवरी में आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है गंधराज, गार्डेनिया भी कहते हैं। इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, बस पेंसिल जितनी थिकनेस की कटिंग लेकर के, जैसे ये है, इसमें पेंसिल जितनी थिकनेस है इसकी, और इसको यहाँ से काट करके, और इसमें ये नोड है, नोड एरिया को, दो नोड एरिया इसमें हम जमीन में इंसर्ट करेंगे मिट्टी में, तो उससे ये कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। हमारा अगला प्लांट है एलिमेंडा। क्योंकि ये इन प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम है, अब ये फ्लावरिंग करेंगे, तो इसलिए इनकी कटिंग फरवरी में बहुत आसानी से चल जाएगी। बस नोड एरिया का ध्यान रखना होता है इसमें। पहले भी हमने यहाँ से कटिंग की है और नए नए प्लांट्स बनाए थे, तो यहाँ से नोड से ही कटिंग करके 4-5 इंच की लंबाई लेकर कटिंग की, और उसको मिट्टी में लगा देते हैं, उससे नया प्लांट बन जाता है। यह है चांदनी का प्लांट, सिंगल पेटल वाली चांदनी। इसको भी इसी तरह कटिंग से ही हमने लगाया था, और देखिए कटिंग की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, और इसकी कटिंग की थिकनेस वही पेंसिल की जितनी मोटाई की है, और ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाती है कटिंग से, बहुत आसानी से इनका ग्रोथ हो जाता है। बस मॉइस्चर इसमें बना रहे कटिंग्स जो हम लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से चल जाती है। हमारा अगला प्लांट है ये डबल पेटल चांदनी। इसकी कटिंग भी आसानी से इसी तरह से लग जाती है जैसे सिंगल पेटल वाली चांदनी की लगी है, और देखिए इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। अब इसका ग्रोइंग टाइम है, अच्छी फ्लावरिंग करेगा, पूरा समर इसमें फ्लावरिंग होगी। इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसमें भी हमने पहले यहाँ से कटिंग करके और नए नए प्लांट्स बनाए थे। ये जो डाली है ये पुरानी है, ब्राउन कलर की हो गई है, तो इसको हम कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो नई ग्रोथ होती है ग्रीन कलर की, वो कटिंग के रूप में यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी नई ग्रोथ हो पाती है। हमारा अगला प्लांट है एक्सोरा का प्लांट। इस पर भी अब ये इसका ग्रोइंग टाइम है, और इस पर देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, और इसकी भी ऐसे ही पेंसिल जितनी थिकनेस की कटिंग लेकर के और लगा सकते हैं, जो आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो एक्सोरा का प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, पूरी समर इसमें फ्लावरिंग होती है। एक्सोरा की भी कई वेराइटीज़ होती हैं, एक देसी वाली होती है, एक हाइब्रिड होती है, और बहुत सारे कलर्स में भी आता है, और सबकी ही कटिंग से ग्रोथ होती है और आसानी से लग जाते हैं सभी एक्सोरा के, सभी तरह के प्लांट्स। तो इस तरह से एक्सोरा को भी हम प्रोपागेट कर सकते हैं, और आसानी से फरवरी के मंथ में। हमारा अगला प्लांट है हिबिस्कस। हिबिस्कस की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये हाइब्रिड है हिबिस्कस, तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये भी देखिए हमने पहले कटिंग से, इसकी कटिंग से कई प्लांट्स बनाए थे, और अभी भी इसमें 4 ब्रांचेज इसकी निकली हैं कटिंग के बाद से, बुशी हो गया है। तो अब इन ब्रांचेज की भी ये पुरानी हो गई हैं, तो इनकी भी कटिंग अब कर सकते हैं, और इनसे भी नया प्लांट हम बना सकते हैं। हिबिस्कस भी हाइब्रिड देसी कई तरह के होते हैं, कई डिफरेंट कलर्स में होते हैं, तो इसको भी आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। तो देखिए ये भी कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, और कितनी अच्छी इसकी कटिंग की ग्रोथ हो गई है। फ्रेंड्स, जब भी कटिंग लगाएं तो एक से ज़्यादा कटिंग लगाएं। एक अकेली कटिंग कई बार सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो एक से ज़्यादा कटिंग होंगी तो ज़्यादा कटिंग्स हमारी अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। हमारा अगला प्लांट है क्रोटन का प्लांट। क्रोटन भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, और बहुत सुंदर रंग बिरंगा गार्डन को कलरफुल बना देता है। तो इसकी कटिंग भी वही पेंसिल की थिकनेस वाली कटिंग, देखिए जैसे ये है इसकी कटिंग लेकर के, और वही नोड एरिया का ध्यान रखना है, और इसकी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गंधराज का प्लांट सिंगल पेटल वाला है, और इसकी भी हमने पहले कटिंग से कई प्लांट बनाए थे, और इसकी अभी कटिंग ले करके इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बर्ड आ गई है, इसका ग्रोइंग टाइम है, तो ये आसानी से कटिंग चल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्रोटन की कटिंग्स हैं जो हमने लगाई थी, तो कितनी अच्छी चल गई हैं, और इसी तरह से इनका प्रोपागेशन हो जाता है। बहुत आसान है इनको प्रोपागेट करना। ये सारे क्रोटन के हमारे प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के, जो हमने कटिंग से यहाँ ग्रो किए थे, तो ये सब चल गए हैं बहुत अच्छे से। किसी भी वैरायटी का क्रोटन हो, ये आसानी से कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाता है, बहुत हार्डी प्लांट है। हमारा अगला प्लांट है शेफलेरा का प्लांट। शेफलेरा कोई भी हो, चाहे वेरीगेटेड हो, चाहे ग्रीन वाला हो, कोई भी प्लांट हो, सबकी कटिंग से ही आसानी से प्रोपागेशन होता है। ये ग्रीन वाला है हमारा प्लांट, तो यहाँ से जैसे कटिंग ले करके, और उसको भी
उसमें मिट्टी में लगा देंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखिए ये ग्रीन वाले की कटिंग हमने लगा रखी है तो कितनी अच्छी चल गई हैं कटिंग्स। एक कटिंग ये है और एक कटिंग ये है, दोनों कटिंग बहुत अच्छी चल गई हैं। हमारा अगला प्लांट है अरेलिया का प्लांट, ये वेरीगेटेड अरेलिया है, इसको भी आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। इसकी भी पेंसिल जितनी थिकनेस की कटिंग लेकर के, ये वाली कटिंग जैसे हम लेकर के और इसके नीचे की पत्तियां हटा देंगे और उसको मिट्टी में लगा देंगे तो वो आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये हमारा ग्रीन वाला अरेलिया है तो इसकी भी ऐसे ही आसानी से कटिंग चल जाती है जैसे वेरीगेटेड की, उसी तरह से इसकी भी आसानी से कटिंग चल जाती है। देखिए ये वेरीगेटेड अरेलिया है, इसकी हमने कटिंग लगाई थी तो कितनी अच्छी चल गई है। और ये ग्रीन वाला अरेलिया है, इसकी भी देखिए बहुत अच्छी कटिंग चल गई है। और एक कटिंग ये है ग्रीन वाले, ये भी बहुत अच्छी चल गई है कटिंग। हमारा अगला प्लांट है जैस्मिन का प्लांट, इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसका भी बहुत अच्छा ग्रोइंग टाइम है अभी फरवरी में, तो इसकी भी पेंसिल जितनी थिकनेस की कटिंग लेकर के, यहाँ से कटिंग लेकर के इसको भी आसानी से मिट्टी में लगा देंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। हमारा अगला प्लांट है प्लूमेरिया, चंपा का प्लांट, इसका भी कटिंग लगाने का ये बहुत अच्छा समय है तो इसको यहाँ से कटिंग करेंगे और इसका थोड़ा रखना पड़ता है, इसका दूध जैसा निकलता है वो सुखा करके तब इसको मिट्टी में लगाते हैं। इसमें पानी भी कम ही देना होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है तो इसलिए इसने पत्ते भी अपने सब गिरा दिए हैं। ये दूसरी प्लूमेरिया की कटिंग है जो हमने लगाई थी तो ये ग्रो हो गई है, अच्छे से चल गई है, तो इसी तरह से चल जाती हैं कटिंग्स। हमारा अगला प्लांट है फाइकस, तो फाइकस की भी हमने ये कटिंग लगाई थी तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है, सिंपल मिट्टी में ही लगी हुई है, गार्डन सॉइल में ही, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, चल गई है। अगर पहले की कटिंग लगी हुई है उनको इस सीज़न में शिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है बाहर का मौसम। ये दूसरा हमारा फाइकस का प्लांट है, इसमें हमने इसी में से कटिंग काट करके और नीचे ये ग्रो की है, यहाँ से कटिंग की थी और इसी पॉट में हमने लगा दी थी, देखिए वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। एक तो ये वाली कटिंग है और इसी तरह से हमने एक कटिंग और लगाई थी, दो कटिंग लगाई थी इस पॉट में। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी लगाइए कटिंग, नए नए प्लांट्स बनाइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, बाय।